थैंक यू सिद्धार्थ। वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम टू शरद। इट्स लवली लवली टू सी एवरीबडी जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। बहुत मजा आता है जब सुबह सुबह सब इकट्ठे होकर जुड़ रहे होते हैं और हम वापस से अपनी जो हमारी एजुकेशन की कम्युनिटी है हम उसे मिल पाते हैं। जैसे जो आप जो पहले भी शरद में आए हैं आपको पता है शरद एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एजुकेटर्स इकट्ठे होते हैं। हमारा इंटेंशन हमारा पर्पस ये है कि जो हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं उसको शेयर करना, उसको एक दूसरे से सीखना। बहुत सारे लोग इस वक्त लॉकडाउन में बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। देश के कोने कोने में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों ना हम इस प्लेटफॉर्म पर मिलकर आए और एक दूसरे से सीख सके। जब ये लॉकडाउन नहीं था तो शहर एक फिजिकल प्लेटफॉर्म था, हम दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस सेंटर में मिलते होते थे। पर मुझे लग रहा है कि लॉकडाउन से और अच्छा हुआ कि हमारा हमारा जो ये नेटवर्क है इसकी लिमिटेशन दिल्ली तक नहीं है, अब हम इसमें हर तरफ से जुड़ सकते हैं। एंड इट्स अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल टू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जॉइनिंग अस। वी हैड पीपल फ्रॉम ऑफ कोर्स दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्रा, असम, महाराष्ट्र, एवरीबडी जॉइनिंग। एक आपके लिए सवाल है जो हम जहाँ से हम शुरू करते हैं। इट विल हेल्प द पैनलिस्ट एंड अस फिगर आउट कि हम किस भाषा में बात करें, तो अगर आप ये डाल देंगे तो हमारे लिए हम सबके लिए अच्छा होगा। अमरीश क्या आया पोल का रिजल्ट? So, as of now, 88% are comfortable with Hindi and English, and about 11% are comfortable only with English. Nobody from ओके EU. So, yeah, that's as of now. तो जस्ट टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर एवरीबॉडी हम लोग कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके बात करें ताकि सबके लिए ये एक्सेसिबल हो। भाषा एक ऐसी चीज है जिस जो हमें एक्सेस दे भी सकती है और रोक भी सकती है। तो हम इंटेंशनली इस चीज पर बहुत ध्यान देंगे कि वी डोंट ट्राई एंड लिमिट एनीथिंग बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज वी आर यूजिंग। एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द रिक्वेस्ट फॉर ऑल आवर पैनलिस्ट एज वेल। सो वी स्टार्ट द डे टुडे। वी हैव एन अमेजिंग सेट ऑफ पैनलिस्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेलकम देम एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद देम। जो हमारे पहले पैनलिस्ट हैं वो है गौतम जी। गौतम जी का काम बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे अभी तक जितने भी शेयर हुए हैं ये चौथा है जो वर्चुअल लॉकडाउन के समय में हो रहा है। एक सवाल कॉन्स्टेंटली उठकर आया है, हम इस वक्त वर्चुअल एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके पास भी स्मार्टफोन्स हो, वो जूम पर आ सके, जूम पर नहीं तो व्हाट्सएप पर आ सके। नाउ द बेसिक अजम्पशन इज दैट देयर इज अ स्मार्टफोन, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। हमारे बहुत सारे बच्चे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है। तो एक कॉन्स्टेंट सवाल हमेशा उठकर आया है, हाउ डू वी रीच आउट टू दीज चिल्ड्रन। जो एक सिंपल सा आंसर पहले निकल कर आया कि उनसे फोन पे बात करेंगे या एसएमएस के थ्रू बात करेंगे। जब गौतम का मैंने पढ़ा तो मुझे एक नया आइडिया लगा कि एक आईवीआरएस का भी एक पॉसिबिलिटी है जो अभी तक मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हुई है। सो द इंटेंशन ऑफ गौतम शेयरिंग इज टू एड अनदर आइडिया टू द मिक्स। हाउ डू वी रीच आउट टू चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स। इंटरेस्टिंगली द मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु कम इन हियर ईदर आर कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट सेक्टर और टू सम इन सम वे वर्किंग विद चिल्ड्रन हु हैव लेसर इकोनॉमिक मींस। तो उनके पास ये स्मार्टफोन का एक्सेस बहुत आसान नहीं है। तो चलिए गौतम जी से सुनते हैं जो उनका एक्सपीरियंस रहा है एंड हाउ ही इज रियली मैनेज्ड टू यूज आईवीआरएस फॉर लर्निंग। वो खुद ही आपको बताएंगे चैलेंजेस क्या हैं एंड वी कैन ऑल लर्न टुगेदर फ्रॉम हिम। गौतम ओवर टू यू। थैंक यू जसमीत। सबको शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। जैसे कि बताया जसमीत, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी पीपीटी स्टार्ट करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ, तो आज मैं जो इनोवेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मेरी पीपीटी इंग्लिश में है, मैं उसको मिक्स लैंग्वेज में बोलूँगा. तो जिस इनोवेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है चिराग वानी, जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय लिसनिंग, मतलब सुन के सीखना. इस इनोवेशन के 5 पहलू हैं. पहला है कॉन्टेक्स्ट, कि किस किस सर्कमस्टांसिस में ये इनोवेशन निकल के आया है. दूसरा है टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी इस कॉन्टेक्स्ट से सूट करती है. तीसरा है सिलेबस, जो इस टेक्नोलॉजी और इस कॉन्टेक्स्ट को के लिए सबसे अच्छा है. चौथा है पेडागॉजी, कि किस तरीके से उस सिलेबस को डिलीवर किया जाए. और पांचवा पहलू है टीचर के स्किल्स, जो इस चीज को सफल करने के लिए लगेंगे. तो मैं शुरू करूंगा पहले कॉन्टेक्स्ट से. मैं चकई बिहार में काम करता हूँ, ये एक बहुत ही रूरल इलाका है और वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड ब्लॉक्स है पूरे देश का. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी इसको माना गया है, क्योंकि ये जो जितने भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है उसमें काफी नीचे है. रेड अलर्ट जोन है यहाँ पे, नक्सल अफेक्टेड एरिया है ये. और जिन लोगों के साथ, जिनके लिए ये इंटरवेंशन बना है, वो है संथाल कम्युनिटी, जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगराइज की जाती है. और इंडिया में स्कूल ड्रॉप आउट्स का सबसे हाईएस्ट रेट एसटी कैटेगरीज में होता है. जिन बच्चों से हम डील कर रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, मतलब उनके माँ बाप उनको घर में एजुकेशन में हेल्प नहीं कर सकते, वो नहीं टेक्स्ट समझा सकते बच्चों को लॉकडाउन में. तो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है. तो अब मैं टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसको हम कहते हैं IVRS, मतलब वॉइस रिकॉर्ड सिस्टम. ये एक ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इस पे आप एक मिस्ड कॉल देके, जो नंबर आपकी स्क्रीन में आ रहा है, बस उस नंबर पे एक मिस्ड कॉल देके आप लोग इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं. आप मिस्ड कॉल देंगे, फोन कटेगा, कॉल बैक आएगा और हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे. ये फॉर नॉन स्मार्टफोन यूजर्स है, जिन पे सिंपल बेसिक फोन है वो इसको यूज कर सकते हैं. और बहुत ही सिंपल टू नेविगेट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत ही बेयर मिनिमम फोन चलाना आता है वो भी इसको यूज कर सकता है. और हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि स्किप द चैनल. अगर कोई ऐसा प्रोग्राम, एजुकेशनल कंटेंट चल रहा है जो आपके इंटरेस्ट का नहीं है या आपके ग्रेड से हायर ग्रेड का है, तो आप उसको बंद दबा के स्किप कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फीडबैक देना चाहते हैं, या हमने कोई असाइनमेंट दिया है उसके ऊपर आप कुछ हमें फिर से बताना चाहते हैं, तो 3 दबा के आप अपने ऑडियो के थ्रू ही अपना बात रख सकते हैं. अब आते हैं सिलेबस पे. अब क्योंकि ऑडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है, हमें ध्यान रखना होगा कि किस तरह का सिलेबस हम इसमें पढ़ा सकते हैं. तो अभी हमने स्टार्ट किया है स्टोरीज से और हिस्ट्री से. हिस्ट्री से इसलिए क्योंकि थोड़ा वो स्टोरी की तरह इजीली बताया जा सकता है. कुछ एस्पेक्ट्स इसमें किताबी शिक्षा से बाहर के भी हैं, क्योंकि वहां की भी एक कल्चरल हिस्ट्री है जो बुक में रिप्रेजेंट नहीं होती. कुछ लोकल इश्यूज हैं, जैसे फॉरेस्ट फूड और न्यूट्रिशन का एक एस्पेक्ट है जो बहुत ही जरूरी है, मगर लोग उसको भूलते जा रहे हैं. तो उसको भी हम रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैनल के जरिए. अब मैं 5 टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, 6 टेक्निक्स एक्चुअली, जो एक ओरल पेडागॉजी के लिए बहुत ही ज्यादा सेंट्रल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है. पहला है स्टोरी टेलिंग. और ये सारे जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आदिवासी कम्युनिटी में, क्योंकि वो एक मौखिक सभ्यता थी, पहले से ही मौजूद थे, कि वो अपने नॉलेज को किससे, कहानियों से आगे बढ़ाया करते थे, क्योंकि रिटन उनका कॉन्सेप्ट नहीं था या फिर विजुअल कॉन्सेप्ट नहीं था आजकल जैसे होता है ऑनलाइन. तो इसलिए वो स्टोरी टेलिंग से, किससे, कहानियों से, पोएट्री से, गानों से, इस तरह से उसको बढ़ाते थे. तो हमने भी ध्यान दिया कि हम कोई भी अगर लेसन बनाएं तो या तो वो एज अ स्टोरी फॉर्मेट हो, या उसमें कोई रिदम और पोएट्री हो, राइम्स हो, या वो गाने गाने के साथ इंट्रोड्यूस हो, गाने के साथ खत्म हो, या बीच में भी उसमें गाने आए, या वो एक कॉन्वर्जेशन की तरह लोगों को सुनाई दे, तो लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा, या उसमें जोक्स हो, सेंस ऑफ एक ह्यूमर हो जिससे वो लोगों को एंगेज करे. और एक था कैरेक्टर वॉइसेस, कि कोई स्पेशल कैरेक्टर की आवाज में अगर उनको बताया जाए तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. तो बस हमने थोड़ा सा टीचर ट्रेनिंग किया अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को लेके, थोड़े से सेशंस किए और फिर हमने स्टार्ट किया. मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि एक्चुअली ये कैसा लगता है. जस्ट अ सेकेंड. जतो की जोहार गी इन कुसुम हसदा लहंती क्लब खय जतो गिद्र को चिलका मेना पेया आसो को नई नपाय गी मेना पेया बसे आर इन हुई नपाय गया देला तबे तिहिं दो 5वां क्लास रिया कितो बन पढ़ा
আর নোয়া কিতাবের টপিক দো হুয়ুক কান তাবোনা বাপুজি ইয়ানি কি মহাত্মা গান্ধী। তো মহাত্মা গান্ধী বারে তেবন পড়া আর নিয়ে লাহাতে মিটাং উনি বারে তেগে সিরিং বন আঞ্জম লহালে তাইগে দিলা তবে বন এতহগা। पहले पहले भारत रे दो अंग्रेजी की कुराजली ता बुया। ये मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हमारे कुछ इम्पैक्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं, कैसे लोग आईवीआरएस को यूज कर रहे हैं, कितने लोग यूज कर रहे हैं। ये अप्रैल में लॉन्च हुआ प्लेटफॉर्म और मैं अप्रैल मई का आपको स्टेटिस्टिक्स यहाँ दिखा रहा हूँ हल्के हल्के, क्योंकि लोगों को पता चलना भी जरूरी है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है और हम वहाँ फिजिकली जा नहीं सकते। अच्छी बात ये थी कि कम्युनिटी के लोग थे जो इस चीज को कर रहे थे, इसलिए वर्ड ऑफ माउथ से, लोगों से सुन के, फेसबुक के थ्रू थोड़ा थोड़ा लोगों ने सुन इसके बारे में पता चला और फाइनली अभी इसको 2993 लोग इस पे कॉल किए हैं। तो ये नंबर बढ़ रहा है और हम भी इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली मैं थोड़े से चैलेंजेस बताना चाहूंगा जो इस काम में हमें आए हैं। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा अवेयरनेस और प्रमोशन की और जरूरत है ताकि लोग इसको अच्छे से समझ पाए। सेकेंडली, आईवीआरएस टेक्नोलॉजी ऑल्दो बहुत ही सिंपल है, स्टिल थोड़ा सा हैंड होल्डिंग सपोर्ट कम्युनिटीज को लगता है, क्योंकि बहुत सारी वुमेन एसएचजीज में ऐसी हैं जिनको फोन यूज करना अभी भी फुली नहीं आता। और तीसरा सवाल अभी भी हमें जो हॉन्ट करता है या परेशान करता है वो है कि उनका क्या जिन पे एक छोटा फोन भी नहीं है। तो ये कुछ हमारे चैलेंजेस हैं। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू गौतम, काफी अच्छा लगा ये देखकर कि जैसे जैसे अप्रैल का महीना बढ़ा लोगों को इसके बारे में पता चला एंड मोर पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इन। आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपकी टीम है जो इस पर काम करती है, जो ये जो टीचर्स हैं, ये कौन है और इनको कितना उनको समय देना पड़ता है ये रिकॉर्डिंग करने के लिए और कैसे सिखाया आपने उनको? ठीक है, तो ये एक लोकल यूथ क्लब है जिसका नाम है लहंती क्लब। इसमें अलग अलग एज के, बट लाइक मिनिमम एज 16 इयर्स है और लगभग 24 साल तक के लोग हैं। ये 10-12 लोग हैं और यही लोग इन क्लासेस को बना रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी हम लोग कुछ क्लासेस करते थे, फिजिकली करते थे जैसे आप बता रहे थे, बट अब ये सब लोग ऑडियो लेसन्स बना रहे हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को सोचा तब हमें एटलीस्ट एक हफ्ता लगा कि ये सब डिसीजंस लेने में कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये सारे प्रिंसिपल्स इमर्ज हुए पेडागोजी के जो मैंने आपसे शेयर किए। और फिर हमें समझ में आया कि एटलीस्ट हम 2 दिन लगेगा, इनिशियली 2 दिन लगा, मतलब पहले दिन कौन सा चैप्टर हम सेलेक्ट करें, फिर उसको, क्योंकि एक और ट्विस्ट इसमें यह कि हम संथाली में अपनी लेसन्स को करते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि आप चैप्टर डिसाइड करें, उसके मेन पॉइंट्स को लिखें, उसके बाद उसको संथाली से लाएं और फिर उसमें ये पेडागोजी के एलिमेंट्स लाएं। तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स होते हैं इसको करने के लिए, तो टाइम लगा। तो 2-3 दिन में एक ऑडियो बन पाया और ऑडियो लेंथ भी हमने 4 या 5 मिनट ही रखा, क्योंकि बहुत लंबा ऑडियो भी डिफिकल्ट होता है लोगों को एंगेज करने के लिए। तो फिर बट हल्के हल्के अब लोग एक दिन में एक ऑडियो बना लेते हैं। फैंटास्टिक। तो इसमें एक दो जो सवाल भी मुझे देखे कि हाउ डू यू लुक एट फॉलोइंग अप ऑन द वर्क, कि बच्चे ने ये सुना, आपको आगे आप उसका फॉलो अप कैसे देख रहे हैं? तो ये सवाल हमारे सामने आने लगा। इनिशियली हमने इसको सिर्फ लॉन्च किया और इसके बारे में बहुत सोचा नहीं, बट हल्के हल्के हमें आने लगा। तो इसलिए अब हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया था हमारे आईवीआरएस में एक ऑप्शन है नंबर 3, जिससे बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं और अपना सोटू से अगर उन्हें कोई असाइनमेंट दिया गया है उसके बारे में हमें साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा जो भी लेसन है, लेसन के एंड में हम बहुत एम्फसाइज करते हैं, कोई टास्क देते हैं और उनको बोलते हैं कि शेयर करें। तो जितनी भी हमारी शेयरिंग्स आती हैं उसको हम प्ले आउट करेंगे अपने प्रोग्राम में, ताकि बाकियों को भी पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये एक तरीका है इसको पता करने का, इम्पैक्ट पता करने का और बच्चों का रिस्पॉन्स जानने का। ओके, वेरी यूजफुल। थोड़ा सा हमें और बताइए कि अगर किसी और को आईवीआरएस यूज करना है, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अगर वो ट्राई करना चाहते हैं तो कैसे, उनको क्या सोचना चाहिए, क्या मन में रखना चाहिए? ठीक है, उसके लिए मैं एक स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा। ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिससे आईवीआरएस और एक स्पेसिफिक पेडागोजी को कंबाइन करके हम लोग ऐसा अपने आसपास भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर जगह पे कोई ना कोई लोकल रेडियो स्टेशन है और लोकल रेडियो स्टेशन जिस पे होता है उस पे यूजुअली आईवीआरएस सेटअप भी होता है। तो हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे आसपास ये आईवीआरएस सिस्टम कहाँ पे है।
और उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ टीचर्स का एक ग्रुप बना के उनके साथ कोलैबोरेट करके एक एजुकेशनल टाइम स्लॉट हमको चाहिए होगा, जैसे हमने किया कि 2 से 3 या 2 से 4 डेडिकेटेडली जब भी कोई भी उसमें ट्यून इन करेगा तो एजुकेशनल कंटेंट ही चलेगा, और यही चीज हमें प्रमोट करनी है। उसके बाद थोड़ी सी स्किल बिल्डिंग करनी है ओरल पेडागॉजी के अराउंड, ऐसे कुछ स्टोरी टेलर्स या कुछ जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो म्यूजिक के थ्रू करेंगे, इस तरह से अपने अपने स्किल्स के अनुसार उस पेडागॉजी को अडैप्ट करके छोटे छोटे स्कूल टेक्स्ट से लेसन रिकॉर्ड करें और जो लो इनकम पॉकेट से वहां पे थोड़ा प्रमोट करके इसको रीच आउट करें। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मेरे ख्याल में बाकियों को हेल्प कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि एक ये जो आपने कहा IVRS रेडियो के थ्रू, लेकिन ये जो मिस्ड कॉल का सिस्टम है, क्या ये रेडियो से कनेक्टेड है या इट्स डिफरेंट? हाउ डू द टू वर्क टुगेदर? सी यू IVRS टेक्नोलॉजी एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है, बट अक्सर जिस पे जो काफी ऐसे रेडियो चैनल्स होते हैं जिन पे दोनों सिस्टम्स होते हैं उन पे कम्युनिटी रेडियो जनरली जो होता है जिसको हम FM से एक्सेस करते हैं वो भी होता है और IVRS भी होता है। सो एक्चुअली ये सेपरेट टेक्नोलॉजी है, बट मोर और लेस काफी मैंने ऐसे पता किए हैं जो लोकल रेडियो स्टेशन उन पे IVRS होता है। तो इट्स लाइक कि आपको अपने अपने एरिया में पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे IVRS है। थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। एक सवाल आ रहा है, आपका रोल एग्जैक्टली क्या है और लहंती क्लब का रोल क्या है? सी फाइनली लहंती क्लब ही क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो ही उस लैंग्वेज में अडेप्ट है, वो ही उस कम्युनिटी में, और यही हमारा काम का एथिक्स भी रहा है कि यंग लोग कम्युनिटी के लोग वो क्लासेस को लीड करें। मेरा रोल होता है जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग में थोड़ा बहुत, मैं लोगों उन लहंती क्लब के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जैसे ट्रेनिंग्स अरेंज करना। अभी मैं देहरादून में हूँ फॉर एग्जांपल, मैं वहाँ हूँ भी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ जैसे किसी तरह से उन लोगों की ट्रेनिंग कराना, इन सब चीज़ों पर डिलिबरेट और डिस्कस करना कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर करना। तो मेरा थोड़ा सा कह सकते हैं इस तरह का रोल है, और मेन रोल उनका है, वो लोग इस क्लासेस को लीड करते हैं, बनाते हैं। Fantastic. तो ये जो आपने लहंती क्लब के साथ काम करना शुरू किया, आई एम अज्यूमिंग ये लॉकडाउन के दौरान नहीं शुरू किया, ये आपने पहले से शुरू किया होगा, तो थोड़ा सा आपका उनके साथ रिलेशनशिप होगा, यू हैड एन आइडिया कि उनकी खुद की कॉम्पिटेंसीज क्या है। सो what was it that you were looking for to build in them that they are able to take this forward? तो जैसे कि आपने सही गेस किया, हम लोग काफी टाइम से मैं लहंती क्लब के साथ काम कर रहा हूँ और हल्के हल्के हमें आइडिया है कि किस में क्या स्किल है, तो हमको पता था कि ये चीज़ हो सकती है बिकॉज लॉट ऑफ देम वर सिंगर्स, वो बहुत अच्छा गाते हैं और वो एक कम्युनिटी ट्रेडिशन है परफॉर्मेंस का, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना ये जो ओरालिटी की हम बात कर रहे हैं इट कम्स नेचुरली टू सर्टेन कम्युनिटीज। और तो मुझे पता, मुझे लगा कि ये लिमिटेशन भले ही है कि ऑडियो से पढ़ाना, बट ये लिमिटेशन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लर्निंग बाय लिसनिंग से मतलब लर्निंग टू लिसन भी हो रहा है क्योंकि वो एक ऐसा स्किल है जो लोग थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं। तो हाँ, हमने क्या किया कि ये 4-5 जब एस्पेक्ट्स निकाले तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज में एक्सेल करने लगे। कुछ लोग जोक्स अच्छे सुनाते हैं, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कोई स्टोरी टेलिंग में कंफर्टेबल है मगर बहुत अनकंफर्टेबल है, गाना नहीं गा सकते, ऑकवर्ड लगता है गाना गाना। तो फिर हल्के हल्के अलग अलग लोगों के हिसाब से अपने उन्होंने प्रोग्राम अलग तरीके से बनाए। Fantastic. It's very interesting because ये भी है कि it's not something जो आप यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, पर आपने लहंती लोगों के जो लोकल बच्चे हैं उनके साथ काम किया है, and it sounds like very young children. These don't seem to be like a very older group or something. No, no, it's seems a very to be a lot of youth that you're working yes, with. Yes, yes. कुछ लोग ऐसे जो age range? मतलब अभी 2 लड़कियाँ ऐसी हैं जो कुछ स्कूल में हैं, मतलब वो 11th क्लास में हैं, और कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएशन में हैं या मास्टर्स में हैं, सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड ग्रुप बट काफी यंग लोग। फैंटास्टिक, थैंक यू। अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम द वर्क दैट यू आर डूइंग, और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे सवाल और कमेंट्स आ रहे हैं, वी विल कम बैक टू देम। जस्ट फॉर पीपल टू नो, ये इफ यू कम इन लेट एंड यू मिस्ड व्हाट गौतम वाज शेयरिंग, ये इसका वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा एंड यू कैन गो बैक टू व्हाट ही वाज शेयरिंग एनी टाइम। So thank you, really appreciate the work that you're doing and for openly sharing this with us. Thank you, thanks a lot. Yeah, could you take the presentation off if that's okay? Yeah. जो हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट है वो दिल्ली के एक मेंटर टीचर है जिनका नाम है शैलेंद्र कुमार जी, a very passionate person.
जिनके लिए साइंस और बच्चों के साथ कनेक्ट करना केवल एक नौकरी नहीं है, इट इज हिज पैशन, इट इज व्हाट ही लव्स एंड व्हाट ही लिटरली व्हाट ही लिव्स एंड व्हाट ही ब्रीथ्स. व्हेन ही शेयर्स विद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस. आई थिंक उनके काम का जो आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू वन पार्ट इवन बिफोर ही स्टार्ट्स. There is one part of his work that he'll share ki wo jo videos banate hain. The process with which he reaches out to teachers, to children, to look at how learning is happening and bringing it back to learning outcomes that are required as a part of the syllabus as well, is a very amazing process that I thought there's a lot of learning there for all of us. Very excited to have Shailendra ji. Shailendra ji, over to you. Namaskar sabhi ko. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीओई टीम का, पांडे जी का, टीम क्रिएटनेट, सभी मेंटर साथियों का, और विशेष रूप से आभार मेरे साइंस क्लब की टीम के जो सदस्य हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में मेरी इनोवेटिव प्रैक्टिस को बच्चों तक ले जाने की कोशिश की है. तो रोहित भाई, क्या हम अगली स्लाइड पर जा सकते हैं? लॉकडाउन के दौरान जो मुख्य उद्देश्य था एक्टिविटी एट होम सीरीज, उन बच्चों के लिए था जो 6 साल से 14 साल के हैं. और दूसरा जो मटेरियल हम लोगों ने ग्रुप में डाला था 9th और 10th का पूरा कंप्लीट पैकेज विद एक्टिविटी. तो इस तरह तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा एज ग्रुप था जिसको हमने टारगेट किया था 6 साल से 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, एक्टिविटी एट होम, उनके लिए हैंड्स ऑन लर्निंग, फिजिबिलिटी ऑफ मटेरियल के आधार पर, घर पर उपलब्ध सामान के आधार पर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनको बच्चे कर सकते हैं, प्लस 9th-10th के लिए ईच एंड एवरी डे चैप्टर वाइज नोट्स, की पॉइंट्स, एक्टिविटीज एंड रिलेटेड वीडियोज, रेस्पॉन्स शीट, असाइनमेंट एंड वर्कशीट, प्लस सम गूगल फॉर्म भी हम लोगों ने उनके साथ साझा किए थे. नेक्स्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसके बॉटम मार्क पर आप 44 वीडियोज एक्टिविटी एट होम जो प्रतिदिन एक पार्ट जो है बच्चों के साथ साझा किया जा रहा था. साइमल्टेनियसली ऊपर की आप रो में है क्लास वाइज एक्टिविटीज प्लस सम अदर TLM के लिंक भी देख पा रहे हैं. नेक्स्ट, जैसा कि आप एक्टिविटी एट होम में देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि कुछ एक्टिविटी दिखा रखी है अभी इसका, और आगे हम इसको जानने की कोशिश करते हैं. अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन एक्टिविटीज में कोई बहुत महंगा मटेरियल नहीं है. लॉकडाउन के समय में हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते थे, तो जो भी घर में उपलब्ध सामान है केवल उनसे ही एक्टिविटी, चाहे वो फन विद एयर है, फन विद वाटर है, सराउंडिंग्स को कैसे बच्चा जो है अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में करके देख सकता है, तो ये गतिविधि हम लोगों ने बच्चों के साथ साझा की. आगे सर, जैसा कि आप क्लोजअप व्यू देख पा रहे हैं पहली एक्टिविटी का और सबसे लास्ट एक्टिविटी का. पहली एक्टिविटी जो हमने शुरुआत की, क्या डूबा और क्या तैरा, और जो लास्ट अभी 44 आई है जो कि अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है, ये खिड़की की आपको दिखाई दे रही है. नेक्स्ट सर, हाँ, अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी बच्चों के पास पहुंच रही थी उनके रेस्पॉन्स कैसे आ रहे हैं. सर क्या वीडियो चला सकते हैं? केवल एक बोतल के ढक्कन से बच्चे ने खिड़की बनाई है. मेरा नाम सानिया है, मैं कक्षा 7वीं D में पढ़ती हूँ. आज मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाने जा रही हूँ जिसके लिए हमें चाहिए एक ग्लास, कांच का गिलास जिसमें पानी हो, और हमने हल्दी लिया. आप कुछ भी उसमें रंगीन पानी करने के लिए कुछ भी डाल सकते हो. तो हमने हल्की सी उसमें हल्दी डाल दी और हम
लगाना स्टार्ट कर देंगे, ज्यादा छुए ना। अगली एक्टिविटी को ये बच्चों के पास कैसे मटेरियल पहुंच रहा था? रोहित भाई आगे स्लाइड जरा। मेरा नाम सानिया है, मैं कक्षा। रोहित सर अगली स्लाइड। नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के साथ की पॉइंट एक्टिविटी पार्ट कुछ इसी तरीके से राइट अप फॉर्म में डेली जा रहा था। रोहित सर आगे जरा। हाँ, अब यहाँ पर आप 6 व्हाट्सएप ग्रुप देख रहे हैं और ये फुल भरे हुए हैं टीचर्स को, जो मेरे 50 साइंस के क्लब हैं, साइंस ग्रुप हैं, उनमें टीचर्स को इनवाइट किया गया था और इन टीचर्स ने उन ग्रुप को ज्वाइन करके और इसका हमने नाम रखा लॉकडाउन मटेरियल ग्रुप। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लॉकडाउन पीरियड मटेरियल ग्रुप 1 to 6 टोटल पार्टिसिपेंट इसके अंदर 1455 टीचर थे, कोई भी टीचर रिपीटेड नहीं था और इसमें मैं सम्मिलित नहीं हूँ। अगर हम अप्रोक्सीमेट 30 बच्चे एक टीचर के पास मान लें तो लगभग हम 43,000 प्लस बच्चों के साथ इस लॉकडाउन पीरियड में मटेरियल को दे पाए। नेक्स्ट सर। अब रेस्पॉन्स शीट जो हमारी बच्चों के साथ आ रही थी, इस रेस्पॉन्स शीट को गूगल फॉर्म को बनाने में श्री मुकेश कुमार जी RPV करोल बाग ने काफ़ी मदद की। हमने ऑनलाइन बच्चों का रेस्पॉन्स लिया, इंग्लिश मीडियम के 690 बच्चे और 382 टेंथ क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चों ने एक ही चैप्टर को ऑनलाइन टेस्ट दिया, जिसका रेस्पॉन्स हम लोगों को आधे घंटे के अंदर मिल गया और मेल के द्वारा हर टीचर को अपने बच्चों का रेस्पॉन्स उस ग्रुप में मिल पा रहा। नेक्स्ट सर। लेकिन इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए थे। सबसे बड़ी बात थी कि जो भी एक्टिविटी मैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ देना चाह रहा था, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज, घर में उपलब्ध सामान, बाहर बच्चों को भेज नहीं सकते थे, प्लस टाइम की जो पाबंदी थी, मेरी COVID-19 में ड्यूटी भी लगी हुई है तो 9 से 7 बजे तक मैं ड्यूटी पर, उससे पहले मैं वीडियो बना के जाता था और आने के बाद 12 बजे तक राइटअप लिखता था, नोट, वर्कशीट, असाइनमेंट और फिर उन ग्रुप में साझा करता था, वहाँ से वो मटेरियल स्कूल ग्रुप में बच्चों तक पहुँचता था। लेकिन यहाँ पर मेरे को ये स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं हो रहा कि जितनी बच्चों तक हमें ये मटेरियल लेकर जाना चाहिए था, रेस्पॉन्स आने चाहिए थे, उतने हम लोगों के पास वो रेस्पॉन्स नहीं आ पाए। इस पर हम काम कर रहे हैं, वर्कशीट पर भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन शीट पर भी काम कर रहे हैं और आगे जो हम चाह रहे हैं कि ये जो PDF हैं बुक की फॉर्म में पब्लिश हों या कोई ऐप बने, जिसके लिए रोहित भाई काफ़ी मददगार साबित होंगे और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। प्लस मैं हर बच्चे के पास एक छोटी साइंस किट, जूते के डिब्बे में पूरी साइंस किट का उसका सामान आ जाए और 8वीं तक का सारा मटेरियल, सारी एक्टिविटी वो घर पर कर सके, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और जल्दी उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। रोहित सर, ये मेरा एक्टिविटी रूम है जिसकी चारों दीवारें एक्टिविटी से पूरी तरह से भरी हुई हैं और प्रतिदिन मैं यहाँ पर 1 से 2 घंटे जरूर बैठता हूँ, कुछ काटता हूँ, कुछ छाटता हूँ, कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का बच्चा जो है वो अभी सीखने की कोशिश की प्रक्रिया में है और मैं यहाँ सीखता रहूँगा, बच्चों के साथ नई नई वीडियो साझा करता रहूँगा। थैंक यू स्कूल। थैंक यू शैलेंद्र जी, आई हैव नो वर्ड्स टू रफ्तार बढ़ानी पड़ी से इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। बेटा घड़ी लेके खड़ा हुआ था। थैंक यू सर, बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं आप और जिस पैशन के साथ आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कल भी आप रेलवे स्टेशन पर थे रिलीफ ड्यूटी पर। सो इन एडिशन टू ऑल द रिलीफ वर्क दैट यू आर डूइंग एवरी डे, सेंडिंग आउट दीज वीडियोस, दीज वर्कशीट्स इज जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग।
इसमें मैं एक बात रखूं छोटी सी, जी जी अनिल जी, जो शैलेंद्र जी कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कर तो रहे, कर तो बहुत लोग रहे हैं, ये चीजों को पहुंचाते भी हैं वहां तक, सुनिश्चित करते हैं कि चीजें पहुंचे हैं। तो ये एक प्लस है कि जो डिसेमिनेशन वाली बात है उसको ये तय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे अनिल जी ने कहा, द ब्यूटी ऑफ हिज वर्क इज नॉट जस्ट द फैक्ट दैट ही इज मेकिंग द एक्टिविटीज, इट इज हाउ दे रीच ऑल द वे डाउन टू द टीचर्स एंड द चिल्ड्रन, एंड ही इज एबल टू ऑल्सो कलेक्ट व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड आफ्टर द एक्टिविटीज। So I think that entire cycle of learning, that process of learning is something that he's very beautifully put together and putting a lot of hard work into. A lot of learning for all of us, jab hum baat karte hain, videos bana ke teachers tak pahunchane ki, bachcho tak pahunchane ki, to understand the entire process aur hum isse kya, is process se kya seekh sakte hain. How can we learn from this process and add to the work that all of us are doing? Thank you, Shailendra ji. We now have another guest with us, Siddharth. जैसे मेरी एक कॉलीग कृतिका कह रही थी, आज गौतम भी हैं और सिद्धार्थ भी हैं हमारे साथ. So a very enlightening session. सिद्धार्थ जी का काम बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इन्होंने जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन का प्रोसेस है उसको एक तरीके से मैं कहूँगी त्याग दिया है. आई थिंक एज अ फैमिली दे आर ट्रैवलिंग, दे आर वर्किंग, उनका एक बच्चा भी है और ये तीनों मिलकर जगह से जगह घूम रहे होते हैं. दैट्स देयर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लिविंग. सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग ही कम्स फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो लाइफ इटसेल्फ इज अ स्पेस ऑफ लर्निंग. आई थिंक इस वक्त जो हमारा फोकस है सिद्धार्थ के साथ, इट इज अबाउट द वर्क दैट ही हैज बीन डूइंग इन द लॉकडाउन एंड व्हाट इज हिज लर्निंग आउट ऑफ दैट. आई एम श्योर अगर हम सिद्धार्थ जी को we'll have to call him another time, there's a lot that he can share in general, but aaj ke liye hum use seemit rakhenge about the work that he's done in the lockdown and his learnings that have come out of it. So thank you Jasmeet ji. Aur sabse pehle hum kehna chahenge ki Shailendra ji aur Gautam ji ka kaam dekh ke aur unke baatein sun ke, I think they're really inspiring people, contributors that I got to meet today. And thank you to CreateNet for creating this platform to meet such amazing people. So, मैं एक writer हूँ, एक storyteller हूँ और एक animation content creator हूँ. और दो साल से जब तीन साल से जब हमने Solify शुरू किया, हम लोगों ने सोचा कि ये जो कहानी लिखने का जो एक कला है उससे हम खुद को कैसे नया करें, खुद को कैसे खोजें, और हम ये जो कला से हम दूसरों को कैसे बांटें, क्योंकि इसी खोज से हमको मेरी खुशी मिली जो अंदर छिपी हुई थी. तो हम चाह रहे थे कि ये खुशी दूसरे से भी बांटें और ये कला भी बांटें. तो लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट प्रोसेस कि ये कैसे हुआ. और सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप सब अपने एक नोटबुक और पेन जल्दी से ले लें और मैं फिर अपना शेयर स्क्रीन करूँगा. एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए. तो लेट्स गो टू द शेयर स्क्रीन. तो जैसे स्क्रीन पे है, 10 सेकंड में जल्दी से एक फूल बनाइए. ड्रॉ अ फ्लावर इन 10 सेकंड्स. फाइव फोर थ्री टू वन. नेक्स्ट स्लाइड. आपने या तो फ्लावर नंबर वन बनाया होगा या तो फ्लावर नंबर टू. ठीक है, तो अगर आपने इसके अलावा कोई फ्लावर बनाया तो आपके लिए हम ताली दे रहे हैं. लेकिन इसमें से अगर बनाया है, ये कैसे हुआ कि मैंने पहले ही से जान लिया कि आपने इसमें से फ्लावर बना लिया? इसलिए क्योंकि मैं भी एक रटे हुए पैटर्न में फंसा हुआ था कि जो हमको पढ़ाया जा रहा है, और वो जो रटा हुआ पैटर्न है वो ना ही हमारे कल्पना से है और ना ही हमारे इंद्रियों से जुड़ा हुआ है. वो हमारे वो ट्रेनिंग वाली पैटर्न है, और हमारा जो सिस्टम है वो हमें ऐसे डरा के रखता है कि आप प्रश्न भी नहीं पूछ सकते. किसी ने भी पूछा नहीं कि कौन सा फ्लावर बनाना है. तो
ये जो मेरे अंदर जो एक स्टैग्नेशन हो गया था, उस स्टैग्नेशन से निकलना था एज अ स्टोरी टेलर ऑल्सो, और वो निकलने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उस संघर्ष से हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया, और प्रोसेस से हमने खुद को ही मतलब जो प्रोसेस है उसको रिवर्स करना था। जैसे हम एक बच्चे थे, क्यूरियस इमेजिनेटिव मोटिवेटेड चाइल्ड जो हमेशा ग्रो कर रहे थे एज अ लर्नर, और एजुकेशन सिस्टम के थ्रू और पैरेंटल सिस्टम के थ्रू जैसे भी होके आई हैड बिकम अ डिससैटिस्फाइड लॉजिकल फियरफुल एडल्ट जो सर्वाइवल मोड में रहता है, और हम चाह रहे थे कि फिर से इसको ये प्रोसेस को रिवर्स किया जाए और जो अंदर का बच्चा है उसको फिर से जागृत करना था। तो इसीलिए हमने एज अ स्टोरी टेलर जो हमारे कला से एक पैटर्न खोजा, इसका नाम है स्टोरी रेनबो, कहानी के सात रंग। तो ये जो सात रंग है बेसिकली जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हर कहानी के ये बेसिक एलिमेंट्स होती हैं। हर कहानी में एक हीरो होता है, उसके खूबियां होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं, हर हीरो के सपने होते हैं, हर हीरो हीरो के चुनौती होते हैं, और चुनौती जो है वो या तो व्यक्ति के रूप में आते हैं या फिर कोई परिस्थिति के रूप में आते हैं, फिर उसके एक सहायक होता है या दोस्त होता है, और उसका एक एनवायरनमेंट होता है, एक जगह होता है जहाँ पे स्टोरी घटती है। तो ये सात रंग जो है वह हर इंसान के कहानी में है, और ये जो ये प्लास्टिक बॉटल है उसके कहानी में भी है, जो इस ब्रह्मांड में जो भी आपको दिखेगा उसके वो सब एक कहानी है, और सबके कहानी में सात रंग है। तो ये जो गेम हमने बनाया वो गेम ऐसा है कि आप एक कार्ड उठाएंगे और वो कार्ड के ऊपर एक शब्द लिखा होगा, और वो शब्द को आपको जोड़ के आपको कहानी बनानी है। तो ये 50 कार्ड्स हैं हर कलर के, और आपको कार्ड बांटा जाएगा और आपको उठाना है और उसको आपको कहानी बनानी है। तो ये जो रैंडमनेस है वो रैंडमनेस ही एक रास्ता है आपको इनफाइनाइट तक पहुंचने का, और इनफाइनाइट मतलब आपको पता है क्या है, जो इनफाइनाइट क्रिएटिविटी है जो बच्चा है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचने का एक रास्ता हमें मिला। हो सकता है सबके रास्ते अलग हो लेकिन हमें ये रास्ता मिल गया था, तो हमने सोचा कि ये रास्ता जो है बांटना है। और वो जब बांटते वक्त मतलब उसके पहले लॉकडाउन हो गया, और फिर हम लोग को लगा कि कैसे हम लोग इसको ये चुनौती को से पार करें। सो वी डिसाइडेड कि इसको हम लोग एक फेसबुक ग्रुप बनाएं, और फेसबुक ग्रुप पे इसकी गेम कैसे खेलना है इसको हम लोग ने शेयर किया, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लिए, मेंबर्स ज्वाइन कर लिए, और रोज हम एक सेट ऑफ कार्ड्स फेसबुक ग्रुप पे डालते थे, और वो बहुत रैंडम आता था। जैसे ये कार्ड है मून, जिसका शक्ति है ये खूबियां है कि वो बहुत चीयरफुल रहता है, लेकिन उसके सीमा एक अनरिलायबल है। उसका ड्रीम है कि उसको जादूगर बनना है, उसका चुनौती है कि वो लॉक्ड आउट है, लॉक्ड आउट मतलब कहाँ से लॉक्ड आउट वो आपको सोचना है, और उसका जो सहायक है वो एक मशरूम है, और जो पूरा स्टोरी है वो एक बुक शेल्फ के अंदर हो रही है। सो अभी आप को अपना कल्पना यूज करना है, जो हम लोग लॉजिकल दुनिया में जो जीते हैं उसमें से हम लोग को बाहर निकाला जाता है, क्योंकि अगर हम एज अ हीरो को मून ले लेंगे मून को, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मन सोचेगा लॉजिक से, तो उसमें से हमको हटाया जाता है और हम लोग को इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाते हैं, और हम बच्चे बन जाते हैं और सारे रूल्स इसमें टूट जाते हैं। तो ये फेसबुक ग्रुप बनाने के बाद आप देखते हैं कि कैसे बच्चे एवरीडे इसमें इन्वॉल्व होके कहानियां लिख रहे थे और पोस्ट कर रहे थे अपने पेरेंट्स के आईडी से। तो ये वन ऑफ द स्टोरीज है मून को लेके, और ये बच्चों ने पोस्ट किया था पोस्टर और उसका स्टोरी। तो ऐसे 21 डेज जो फर्स्ट लॉकडाउन था उसमें डेली ऐसे एक सेट ऑफ कार्ड्स हम लोग डालते थे, और 10 रेगुलर पार्टिसिपेंट्स थे जो इसमें पोस्ट करते थे स्टोरीज, और बाकी जो थे वो रिस्पॉन्ड करते थे, पढ़ते थे, लाइक करते थे, लेकिन ये 10 पार्टिसिपेंट्स बहुत मन लगा के दिल से खेलते थे गेम। उसके बाद हमने इसको और एक्सप्लोर किया कि कैसे ये एजुकेशन में ये एजुकेशन को कैसे एक अलग डायमेंशन दे सकता है, क्योंकि स्टोरी रेनबो यदि सबके सबके कहानी में, ये बॉटल की कहानी में, मोबाइल की भी कहानी में, सो हाउ कैन इट हेल्प अ चाइल्ड टू लर्न, एंड हाउ कैन इट हेल्प अ टीचर टू लर्न।
सो एक तो लैंग्वेज तो है ही कि वो आप स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, विज्ञान भी है, विज्ञान इसलिए क्योंकि हर साइंटिफिक प्रोसेस जो है वाटर साइकिल है उसको भी आप एक स्टोरी के रूप में देख सकते हैं, किसको हीरो बनाना है उसमें, उसकी चुनौती क्या है, उसके उसके सीमाएं क्या है, उसके खूबियां क्या है, वो आप खोज सकते हैं। आप सोशल साइंस में भी जोड़ सकते हैं, आप इसको हिस्ट्री भी सीख सकते हैं, महात्मा गांधी का स्टोरी भी आप स्टोरी रेनबो के थ्रू सीख सकते हैं। और इसको सिर्फ सीखना नहीं है, इसको अगर आप एक थिएटर के रूप में अगर एक्सप्रेस कर लें तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक अंदर बैठ जाता है, तो आपको फिर मेमोरी का यूज नहीं करना पड़ता क्योंकि आप उसको जी लेते हैं। तो ये हमने एक्सप्लोर किया एज अ पेडागॉजी और इसको एक करिकुलम इसमें डाला हुआ है कि कैसे स्टोरी रेनबो को एजुकेशन में लेके आना है। और ये सिर्फ एक थ्योरी और सब्जेक्ट पे काम नहीं करता है, एक ये पूरा पर्सन पे काम करता है। और ये जो हम लोग ने अलग अलग क्वेश्चन के बारे में सुने, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, तो ये हमने खोजा है कि क्रिएटर का क्वेश्चन होता है, और ये जो जितने भी क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन के अंदर है, और क्रिएटर क्वेश्चन के द्वारा म्यूचुअली दोनों फैसिलिटेटर और पार्टिसिपेंट ग्रो करेंगे। तो स्टोरी रेनबो जो है वो दोनों पे काम कर रहा है, ऑन द फैसिलिटेटर एंड द पार्टिसिपेंट वी आर लर्निंग टूगेदर। और ये जो क्रिएटर क्वेश्चन है इसका और जो मतलब इन डेप्थ ये आपको चार्ट दिखा रहा है कि कैसे हम बचपन से लेके अभी एडल्ट, चाइल्ड टू एडल्ट का जो जर्नी है वो ये चार्ट दिखा रहे हैं कि सबसे पहले जो हम जब पैदा हुए थे तो एक एनर्जी के रूप में आए थे, और धीरे धीरे जैसे हमारे इंद्रियां आई, और फिर हमारे भावना पैदा हो गई, फिर हमारा कल्पना, फिर हमारी यादें, और ऐसे करके हम लोग लॉजिक तक पहुंच गए। तो अभी हम लोग एज एन एडल्ट लॉजिक में फंसे हुए हैं, बच्चे जो है वो शुरुआत के लेयर्स में रहते हैं मन के। और ये जो स्टोरी रेनबो है उसके द्वारा हमारा जो मन है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है, और हम ये जितने भी लेयर्स हैं उसमें ट्रैवल कर पाते हैं। और ये जो स्वभाव है जैसे लेफ्ट में लिखा हुआ है कॉग्निटिव स्किल्स, कंपैशन, मोटिवेशन, सेल्फ, सब काम करता है। तो यहाँ पे हम अपना प्रेजेंटेशन को रोकेंगे, और इस पर बात करने के लिए बहुत है, और इसके लिए एक अलग ही सेशन करना होगा स्टोरी रेनबो को और अच्छे से जानने के लिए, और जो हमने शेयर किया है 2 साल ट्रैवल करके। तो अभी हम यहाँ पे समाप्त करते हैं हमारा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हाउ। एंड मुझे लग रहा है कि जब आपने ये कहा कि मून है और वो बुकशेल्फ पर है और मशरूम उसका सहायक है, यू आर राइट, मुझे खुद को लगा कि ये कैसे हो सकता है। आई थिंक हमने अपने मन को इतना बॉक्स करके बांधा हुआ है कि वो बाउंड्रीज को तोड़ना इतना आसान नहीं है। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एज एन एजुकेटर, somebody who is working with children as a teacher, what is the impact that you're seeing of that with children? So because ye sirf bachcho ki baat nahi hai, ye hum sab ke liye hai. So sabse pehle impact ye hai ki I transform from a teacher or a facilitator to a learner. So that is a most important for me is that I transform. Okay, and because child jo hai wo to ek learner hai hi, और बच्चा तो पैदा होता है प्रश्न के साथ, और हम बहुत बार वो प्रश्न को रोक देते हैं और उल्टा हम प्रश्न पूछने लगते हैं कि आप हमें आंसर बताओ। तो द पॉइंट इज दैट द क्वेश्चन शुड टेक अस ऑल ऑन अ क्वेस्ट, तो और वो हम साथ में करें। तो जो स्टोरी रेनबो के द्वारा हमने ये मतलब क्या सीखा कि इफ वी आर एबल टू फाइंड द स्टोरी रेनबो इन एवरीथिंग दैट वी सी, then we will all go on a very wonderful quest. So that became a start point for to transform all of us adults, child, facilitator, participant into a learner. And to be compassionate towards each other, because what happens is that we har character jo hai wo hero hai, right? So although हम लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कोई विलन आया था, यू नो मे बी आई कुड हैव अ ग्रज अगेंस्ट माय फादर और मदर कि यार उन्होंने मुझे एनिमेशन करने नहीं दिया, लेकिन
अगर हम स्टोरीटेल वो वहां पर अप्लाई करेंगे तो आई विल सी दैट देयर आल्सो अ हीरो ओके एंड देयर आल्सो स्ट्रगलिंग दे हैड अ ड्रीम ओके सो देन मेरे अंदर वो दिल में जो नेगेटिविटी थी वो डिसॉल्व होके कंपैशन आ जाता है कि यार वो सब लोग हम एक ही जैसे ही हैं एक ही सब लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने सपना पूरा करने के तो एक सवाल यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन था जब आपने ये शुरू किया और क्या आपने केवल ये अंग्रेजी में किया था तो शुरू में तो टारगेट ऑडियंस जो था वो स्टार्टेड विद मी एंड देन इमीडिएटली द फैमिली एंड वी स्टार्टेड होस्टिंग सेशंस व्हेन वी वर स्टेइंग इन दिल्ली इन साकेत फॉर अ ईयर सो एवरी संडे वी यूज्ड टू होस्ट अ सेशन एंड वी बिल्ट अ कम्युनिटी सो 10-1 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस दिल्ली एंड समटाइम्स इवन आगरा एंड फरीदाबाद एंड ऑल दे यूज्ड टू कम and we used to have these storytelling sessions every Sunday called Creators Connect or those were in English but the Hindi sessions began with the government schools and the students and the participants of the government school taught me Hindi and the Hindi words for these words that I've written in English so nayak ho gaya aur khubiyan seema ye sab hame बच्चों ने सिखाया है पार्टिसिपेंट्स ने सिखाया है गवर्नमेंट स्कूल के और इसमें और भी है कैसे स्टोरी को स्ट्रक्चर में डालते हैं और कैसे हमारी स्टोरी और जो हम लोग फिल्म्स देखते हैं वो कैसे एकदम एक जैसे हैं वो जो रेलेवेंस है स्टोरीज और फिल्म्स का हमारे हमारे साथ वो सब भी मैंने इंग्लिश में पहले सोचा था और बच्चों ने हमें उसका हिंदी वर्जन सिखाया क्योंकि वो समझ गए वो बात को गहराई से तो वो हमें सिखा पाए तो ये बहुत ही सुंदर एक उसका आयाम है अमेजिंग एज एन एजुकेटर आई थिंक ये सवाल बार बार आता है कि क्या आपने उसके इवैल्यूएशन का सोचा कि जो स्टोरी आ रही है डू यू इवैल्यूएट इट तो सबसे पहले ये आपको कहना चाहेंगे कि लिटरेचर जो शब्द है हमें वहां से शुरू करना है कि लिटरेचर है क्या यू नो बिकॉज एंड हु इज लिटरेट बिकॉज इफ आई गो टू तमिलनाडु टुडे आई एम इलिटरेट ओके और इफ आई गो टू स्पेन आई एम इलिटरेट तो ये लिटरेसी जो शब्द है उससे हम बहुत लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और थ्रू एट वन ऑफ द वर्कशॉप्स व्हाट हैपेंड वाज दैट आई गॉट टू मीट द फादर ऑफ ए पार्टिसिपेंट अ स्टूडेंट एंड He came to me and said, सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के द्वारा बच्चे कहानी लिख रहे हैं अपने लाइफ के संघर्ष का तो और वो भी थर्ड पर्सन से लिख रहे हैं तो वो अपने लाइफ को एक अलग रूप में देखने को सीख रहे हैं तो मेरी बेटी ना मेरे पास आई थी कि पापा मुझे हेल्प कीजिए कहानी लिखने में लेकिन हम हेल्प नहीं कर पा रहे क्योंकि मैं एक फिफ्थ पास हूँ और टेलर हूँ तो हम बहुत ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस तो बट ही सेड कि आई वांट टू नरेट अ पोएम टू यू रिसाइट अ पोएम व्हिच आई हैव रिटन इन माय माइंड सो एंड ही रिसाइटेड द पोएम व्हिच वाज कॉल्ड मॉडर्न ज़माना ओके एंड इट वाज अ सैटायरिकल पोएम ऑन टुडेज वर्ल्ड एंड इट वाज ऑल रिटन इन हिज माइंड सो वी आई थॉट दैट लिटरेसी इज नॉट अबाउट अ पर्सन हु सिंपली कांट राइट एंड रीड और नो इलिटरेसी सो हाउ कैन We discriminate such people who have amazing thoughts and who are able to store their thoughts and recite it. So, ये बड़ा मतलब we are doing a bad बड़ा crime है ये. So we decided to create a new terminology called I literature, where whatever I express, okay, whether it is writing art, because जो primitive आदि मानव था वो भी तो literate था ही उसके symbols थे उसके drawings थे और उसका एक language था जो भी था वो भी तो लिटरेसी था तो एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज लिटरेसी एंड आई वी कॉल इट आई लिटरेचर तो हम लोग कोई एक्सप्रेशन को रेट नहीं करते हैं और हम जो भी स्टोरीज आते हैं पार्टिसिपेंट्स के थ्रू विदाउट एडिटिंग इट वी पुट इट टुगेदर एंड पब्लिश दोज बुक्स एंड वी शेयर दोज बुक्स एज PDFs सो दोज बुक्स आर नॉट सोल्ड शेयर्ड So somewhere what I'm hearing is also this acceptance that
कि जो भी बच्चे ने क्रिएट किया है इज एक्सेप्टेबल, इट्स ब्यूटिफुल, इट इज अप्रिशिएबल, और उसकी कोई सीमा हमें देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और सिर्फ बच्चे नहीं, अभी वी डिड अ वर्कशॉप इन उदयपुर जेल विद 6 इनमेट्स एंड दे हैव टुगेदर क्रिएटेड अ बुक कॉल्ड खुशी की तलाश, विच इज अ चारकोल इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक, जिसमें उन्होंने अपना संघर्ष को एक मेटाफोरिकल रूप में उसको पेश किया है इन द फॉर्म ऑफ अ पिजन हु इज हैविंग अ ड्रीम टू सपोर्ट द ड्रीम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो बेसिकली I would say the child within all of us, not just the physical child. We reach out to the child within us. Thank you. Thank you, Gautam. I think Siddharth, it's very, I think एक ना natural सा reaction हो गया है इस education system में होके कि जो भी कोई करता है उसके आगे हमें ये बताना है कि वो सही है या गलत है, और बच्चे को दिखाना है कि ये सही कैसे हो सकता है। सो समवेयर उसमें क्रिएटिविटी, या जैसे आपने कहा, वो तो कहीं सीमित रह जाती है। सो आई डोंट नो हाउ इट दिस कैन रिप्लेस सम ऑफ इट, बट आई थिंक एट लीस्ट इट कैन ओपन सम विंडोज एंड ओपन सम डोर्स। सो थैंक यू फॉर द आइडियाज एंड फॉर द थॉट्स। एक सवाल आया है जो आई लाइक टू ब्रिंग द अदर पैनलिस्ट बैक, गौतम और शैलेंद्र जी। ये जो क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट है, जो संथाल कम्युनिटी में गौतम बात कर रहे थे अबाउट द लोकल हिस्ट्री, द लोकल लैंग्वेज, द लोकल स्टोरीज, क्या आपको इस टाइप की क्रिएटिविटी का वो IVRS के थ्रू कुछ उसमें आइडियाज आ रहे हैं दैट यू कैन यूज, एनीथिंग दैट यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट, गौतम? हम लोगों का आइडिया यही है कि जैसे जैसे हमने अपने पेडागॉजी प्रिंसिपल्स में रखा है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला ना कि लिटरेसी को बांधिए ना, और क्या कम्युनिटी पे ऑलरेडी एक फॉर्म ऑफ लिटरेसी और एक्सप्रेशन था, और इनफैक्ट वो काफी परफॉर्मेटिव था, और हम अपनी ऑडियो कैसे परफॉर्म करें यही हमारा वो रहता है। तो अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, जैसे उसमें लिखा है कुछ कैरेक्टर्स बन के उसको स्टोरी के फॉर्म में डाल के, उसमें सॉन्ग्स डाल के, तो मुझे लगता है क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा सेंट्रल है किसी भी चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सुनने के लिए। तो हम उसको बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं क्रिएटिविटी को, और नए नए चीजें डालने के, एलिमेंट्स डालने की कोशिश करते हैं, म्यूजिक डालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वहाँ के लोकल म्यूजिशियंस हैं, उनसे अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या आप कुछ प्ले करें, हल्का रिदम दें जब क्लासेस चल रही है। तो ये सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियो प्लेटफॉर्म है और उसको जितना ज्यादा एंगेजिंग बना सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाएं लोकल तरीकों से। थैंक यू। आई एम जस्ट गोना रीड आउट सम ऑफ द कमेंट्स दैट आर कमिंग इन। ज़ैनब जी कह रहे हैं कि लिटरेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। वाओ, इट्स एक्चुअली अ वेरी ट्रू कांसेप्ट। जैसे आपने कहा, अगर मैं तमिलनाडु में जाऊंगी तो मैं इलिटरेट हूं, दैट्स द रियलिटी। तो ये कहना कि केवल जिसको मेरी भाषा आती है वो लिटरेट है, सोचने वाली बात है। हाउ डू वी डिफाइन व्हाट इट सेज? आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज अमेजिंग। सिद्धार्थ, योर वर्क सिंपली ब्रॉट अ वाइडर स्माइल टू माय फेस। दिस इज सो अमेजिंग, ब्रिंगिंग सो मेनी पर्सपेक्टिव्स टू द चाइल्ड एंड टू एवरीवन। थैंक यू। ये हर्ष जी का कहना था। वंडरफुल आइडिया ऑफ अ पोएम एंड सुपर्ब आइडिया ऑफ लिटरेचर, पब्लिशिंग चिल्ड्रंस वर्क विदाउट एडिटिंग इज अमेजिंग। So I think there's a lot of appreciation and realization ki jo bacche jo kaam karte hain hame uske liye acceptance ke liye jagah create karni hai, and I think that is something that I'm really learning, jahan pe hum uski koi seema nahi rakhe ki are aapne phool aise banaye hain ye to galat hai, but it made me realize ki jab aapne shuruaat ki ki phool banao अभी गलत बना रहे हैं, ऐसे कौन सा फूल होता है, ये तो हमने आई थिंक एट सम पॉइंट ब्लैकबोर्ड पे बना हुआ देखा था, इसलिए हम वैसा ही फूल बनाते हैं आज भी। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे सिद्धार्थ? हाँ, सो आई एम क्वाइट, यहाँ पे जो कमेंट्स हम भी पढ़ रहे हैं, और आई थिंक हमारे साथ जो बैठे हैं बहुत अवेयर एजुकेटर्स हैं, इसलिए वो सेंस कर पा रहे हैं हमारी बातें, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रही। थैंक यू।
शैलेंद्र जी एक सवाल आपके लिए है, जब बच्चों के आपके पास वीडियोस आते हैं, आई थिंक पहले टीचर्स के पास आते हैं फिर आपके पास आते हैं, आप उसमें कैसे बच्चों को फीडबैक देते हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया, क्या कुछ गलत हुआ, क्या उसमें आप वो चीजें देखते हैं? जी शैलेंद्र जी आप कहिए। तो जिस प्रकार मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उसी ग्रुप में वो वीडियो आती हैं और उसी वीडियो का जो भी फीडबैक है मैं ग्रुप में देता हूँ और फिर वो बच्चों के पास एज इट इज पहुंच जाता है। हालांकि सिंपल एक्टिविटी है, कहीं कोई गलती हुई नहीं है, क्योंकि बच्चे ने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, उसको मैं गुड नहीं दे सकता क्योंकि हर बच्चा अपने से बेहतर एक्टिविटी करके दिखा रहा है। और जो चंद्रकला वाली एक्टिविटी आपने एक वीडियो में देखी थी वो मेरे से भी बेहतर बच्चे ने करके दिखाई है। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे जो करते हैं वो हमसे कहीं आगे बढ़कर होता है। And I guess the need for appreciation and for acknowledging what the child is doing is beautiful. And I think वही चीज आप अपने videos के through जो बच्चों के videos हैं उनको भी देखते हैं। बड़े selected videos जो है वो group में आती हैं। Each and every day लगभग जो है 50 videos जो है वो आती हैं। Plus YouTube पर comment बच्चों के आ रहे होते हैं। बच्चों की videos ये जो सारी videos आपके पास आते हैं, अरे वाह! आप इतना समय निकाल पाते हैं कि बच्चों के रोज कम से कम 50 वीडियोस देख लेते हैं। 50 साइंस क्लब हैं प्लस 100 बच्चों के ग्रुप में भी हूं मैं। अच्छा, वाव, दैट्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट। आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली जो हम सब के लिए है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पैनलिस्ट के बाद हम एक ब्रेकआउट रूम में जाते हैं जिसमें हमारे साथ एक छोटा ग्रुप होता है 5 से 8 लोगों का, और उसके लिए जो हमारे सवाल है मैं वापस से चैट में फिर से डाल देती हूँ। हम 2 सवालों पर बात करेंगे इस छोटे ग्रुप में। एक कि इन तीनों पैनलिस्ट को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, इनकी मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज इट दैट दे आर रियली, व्हाट इज रियली ड्राइविंग देम? एंड सेकेंडली, क्या सीख कर आप अपने एजुकेशन में ये लेके जाना चाहेंगे? What is the one idea that you'd like to bring in differently in your work as an educator going forward? So let's go into the breakout room. Amrish, are you starting the breakout room? I would encourage you, जब आप breakout room में जाएंगे तो please अपना video on कर लीजिएगा, अच्छा लगता है लोगों को देख कर बात करना। And there's no one facilitator. So I would encourage all of you to take initiative and speak up in the room. We will have about 15 minutes in the breakout room and then we will come back into the large room and share. I will add the question.
So we're just coming back into the main session. I think धीरे धीरे सब लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं. I hope आपका ब्रेकआउट सेशन इंटरेस्टिंग रहा हो. जब तक हम वेट कर रहे हैं सबके आने की, एक रिक्वेस्ट है, क्या हम सब म्यूट पर जा सकते हैं प्लीज. थैंक यू. तो अभी हम जनरली क्या करते हैं कि आपके ब्रेकआउट रूम में जो डिस्कशन हुई है, जो चीजें उन दो सवालों के आसपास निकल कर आई हैं, आप चैट में प्लीज शेयर करिए एंड देन वील शेयर विद एवरीबडी इन द लार्जर ग्रुप. एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, बहुत सारे लोग ये शेयर खत्म होने के बाद दे राइट इन टू रिक्वेस्ट फॉर अ सर्टिफिकेट. आई थिंक जिसको वो चाहिए उसका लिंक हम चैट पे डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं. जिसकी जरूरत है यू आर वेलकम टू टेक, जिसको नहीं चाहिए यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. सो कमिंग बैक टू द टू क्वेश्चंस, मेरे ग्रुप में जो डिस्कस हुआ आई विल शेयर. हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ कि इन लोगों का मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज रियली ड्राइविंग गौतम जी, सिद्धार्थ जी, शैलेंद्र जी इन डूइंग द वर्क दैट दे आर डूइंग. बिकॉज ये केवल अपना काम नहीं कर रहे हैं, उससे बढ़ चढ़ कर कहीं आगे मेहनत कर रहे हैं. तो जो चीजें निकल कर आई, एक द चाइल्ड, जस्ट द फैक्ट ऑफ वर्किंग विद द चाइल्ड इज अ ह्यूज मोटिवेशन जो हम सबको लगा. दूसरी चीज, एक बहुत ब्यूटीफुली आकांक्षा जी ने इसे लैंग्वेज में लाया कि सिद्धार्थ शेयर कर रहे थे अपने इनर मोटिवेशन के बारे में, उन्होंने ग्रज को कंपैशन में कैसे कन्वर्ट किया. एंड आई थिंक ये उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं करना पर साथ साथ दूसरों के लिए कुछ करना, दैट इज अ मोटिवेशन जो उन्हें लगा कि हम सब में कॉमन है. सो दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल टू हियर. The other thing that I heard was, जो चीज़ें अब हमारी ज़िंदगी में आई हैं, जो हम सब उसे आगे लेके जाएंगे, जो हम मेरे ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें एक था टेक्नोलॉजी. आई थिंक दैट इज लाइक अ नो ब्रेनर, जो वी डोंट हैव अ चॉइस, वी जस्ट नाउ एवरीवन्स लर्नड इट, गेटिंग यूज्ड टू इट एंड इट विल गो फॉरवर्ड. द अदर थिंग दैट केम वॉज अबाउट हाइजीन एंड सैनिटेशन, कि हमने उन चीज़ों पर इतना ध्यान कभी नहीं दिया था, जो अब बच्चों ने भी सीख लिया है. सो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल लाइफ फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड. तीसरी चीज जो आई वो थी कनेक्ट को लेके, कि इस लॉकडाउन के दौरान टीचर का बच्चे से, टीचर का पेरेंट से, बच्चे का टीचर और पेरेंट से जो कनेक्ट बना है वो और गहरा हुआ है. दिस इज ऑब्वियसली जिनके साथ बात हो पाई है, चाहे वो स्मार्टफोन्स के थ्रू हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल के थ्रू, बट दैट हैज बीन वेरी ह्यूज एंड दैट विल प्ले अ बिग रोल व्हेन वी गो बैक टू स्कूल. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट सम ऑफ द थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स दैट आई एम सीइंग पीपल शेयर. सो जया कह रही है द पैशनेट एक्सेप्टेंस, हार्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर्स अनकंडीशनली एंड बिलीफ in their potential. Ruchi share kar rahi hai, every child is creative and imaginative and they need the right platform to express. Shuvajit ne kaha ki crisis management leads to innovation. Bilkul. And we're seeing so much of that. Anuradha ji keh rahi hai ki lacunas in a childhood may be a motivational factor. Reliving the childhood while working with children, respecting the child as an individual. To err is not a sin. आसिफ जी, आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और बताना चाहेंगे? आसिफ जी, आसिफ जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर. ठीक है, जब तक आसिफ जी आते हैं, आशा जी कह रही है कि अगली पीढ़ी को बेहतर देकर बेहतरीन बनाने का जुनून है ही हमारी मदद करता है और मोटिवेशन है. अच्छा, आसिफ जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं. ब्रिंगिंग इन लाइफ स्किल्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरीज टू टीच लाइफ स्किल्स. नाउ आई एम अनम्यूटेड, जस्मीन. जी आसिफ जी, सो दीज आर द लर्निंग ऑफ माय ओन प्रोफेशनल करियर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, normally what happens that there are so many experiences in life. Ya hamara seekhna kaise
अच्छा रहा और कैसे कमजोर पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग माई एग्जाम्पल, वेन आई वॉज इन ग्रेड सिक्स, वन ऑफ माई टीचर्स हु वॉज टीचिंग साइंस वॉज अ टीचर हु मेड मी अ टीचर लेटर ऑन. सो वो जो एक माहौल सा बनता है, एक वो गैप फिल होता है कि दिस इज द वे, वो रिलिविंग द एक्सपीरियंसेस. लेकिन सिमिलरली मैथ्स के टीचर इत्तेफाक से मुझे वैसे नहीं मिले जो मैं मैथ्स की तरफ जा नहीं पाया. इट हैपेंड लाइक दैट ऑन. सो ये कई बार जब टीचर्स बनते हैं हम सब लोग, तो बच्चों के साथ अपने चाइल्डहुड में जो गैप्स रहते हैं उसको रिलिव करना, दोबारा से रिलुक करना, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज और पेडागोजी के जो समझ आती है ट्रेनिंग में उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें एक होल पैकेज के तौर पर आ जाता है. और वो अपने आप में काफ़ी पैशन प्रोवाइड करता है कि वॉट वी कुड नॉट अचीव बाई गेटिंग सो मेनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मेकिंग आवर सेल्फ वेल इक्विप्ड विद सो मेनी नॉलेज एंड स्किल्स एंड एटीट्यूड. तो हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं. और शायद यही कॉन्सेप्ट गिजू भाई जैसे एजुकेशनिस्ट करा. दूसरा पार्ट यहाँ पर ये रहा कि अक्सर बच्चों की गलतियों को, जो भी शैलेंद्र जी भी बहुत अच्छे से कह रहे थे कि बच्चों को जब गलतियों को पिन पॉइंट करते हैं और उनको कमी निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि इमिडिएटली दे ड्रॉप. वो इमिडिएटली उनको ये लगता है कि आई एम ऑफ नो वैल्यू, आई हैव नो, वो सब्सटेंस भी नहीं अपने आप में पाते हैं कि वो कुछ उसमें. व्हेन वी रेस्पेक्ट अ चाइल्ड एज एन इंडिविजुअल, व्हाट यू डू इज ग्रेट, है ना. तो ये जब एक फीलिंग आती है, जो कॉन्फिडेंस आता है, उससे छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े काम भी बड़े आसानी से बन जाते हैं. और मैंने लास्ट सेकंड पॉइंट इसमें ये लिखा था कि ये सब चीज़ों को हम कर रहे होते हैं तो शायद हम सब लोग भी बहुत कुछ एक तरह से सीख रहे होते हैं. और डेफिनेटली वो सही गलत कुछ नहीं है, दीज आर ऑल एवोल्यूशनरी जर्नी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. थैंक यू आसिफ जी. थैंक यू. जैनब जी ने कहा है अबाउट एम्पथी कि उन्हें लगा कि सभी जो हमारे पैनलिस्ट थे उसमें उनमें एम्पथी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट ही हैड. जैनब जी आप थोड़ा सा और शेयर करना चाहेंगे? जैनब जी आप अनम्यूट कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू शेयर सम मोर? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो, एम आई ऑडिबल? जी यू आर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू शेयर इट फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. मैंने जितने भी 5 साल अपने निकाले हैं टीचिंग एक्सपीरियंस में, उसके माध्यम से जब मैंने बच्चों के साथ डील किया, स्पेशली विद द प्राइमरी स्टूडेंट्स, मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है कि उनको जितना हम प्यार से समझकर, उनको उनके भाव को समझकर चलते हैं, हमें उतनी खुशी मिलती है. मैंने बच्चों से सीखा है कि एम्पैथी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इफेक्टिव टीचिंग में. और जब मैंने आज के हमारे पैनलिस्ट्स को सुना तो मुझे लगा कि एम्पैथी ही वही ड्राइविंग फोर्स है जिससे हम इंटेंसिकली मोटिवेटेड रहते हैं. एंड इनफैक्ट देयर इज स्टिल मोर टू लर्न फ्रॉम ईच वन ऑफ अस प्रेजेंट ओवर हियर. काफ़ी बातें हैं एम्पैथी के ऊपर जो हमें और आगे जाके सीखनी और डेवलप करनी है. सो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी. थैंक यू. चंदन जी लिख रहे हैं कि उनके ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे पैनलिस्ट के लिए वो थे डेडिकेशन, इंट्रिंसिक सेल्फ मोटिवेशन, कनेक्टिंग विद द चाइल्ड, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आइडिया टेक्स टाइम. And our worthy friends didn't give up. That's a very beautiful thought, Chandan ji, jo aapke group mein se nikal kar aaya hai. You're right. I mean, none of them gave up. Shailendra ji ke kaam sunte hain, wo din bhar relief ka kaam karte hain, par jaane se pehle ek video chhod kar jaate hain aur wapas aake bachchon ka jo feedback aaya hai, jo bachchon ne videos share ki hai, jo unhone assignments ki hai, wo wapas aakar dekhte hain. So, just the sheer effort and not giving up and the consistency of the work day in and day out. Gautam ne bhi share kiya ki kaise jab unhone shuru kiya tha wo IVRS, it took time before it reached out, aur is waqt wo 2-3,000 logon tak pahunch raha hai. Shuru mein nahi gaya tha par unhone haar nahi mani. Jo dusri cheez Chandan ji ke group mein se aayi about
क्या चीज वो आगे लेकर जाना चाहेंगे. इट इज अबाउट एक्सेप्टेंस, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनैलिटी, एंड नॉट टू लुक एट इट एज अ पॉइंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टार्टिंग विद बेसिक स्टोरीज एंड मूविंग फॉरवर्ड टू लॉन्ग स्टोरीज. आई थिंक जो एक चीज और निकल कर आई, जो लिज जी कह रही है कि लॉकडाउन हैज गिवन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉसिबिलिटी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम टेक्स्ट बुक टीचिंग. And I, that's such a beautiful thing to share, Liz ji, because कहीं ना कहीं जैसे गौतम ने वो फूल दिखाया था, हम सब textbook teaching में बंद गए थे. It was something that was our Bible. और हम उसमें इतना बंद गए थे कि क्या learning हो रही है कि नहीं, क्या हमारे बच्चे ठीक है कि नहीं, क्या वो सीख रहे हैं कि नहीं, हमारा ध्यान उन चीज़ों पर नहीं था. So the lockdown has been an opportunity to bring all of that back. Thank you everybody for really contributing to this and for bringing such valuable thoughts and insights together. I hope this has been useful for you. I know I've had a lot of learning from the panelists and from the discussion with all of you. Ye hamara Sharet ka silsila jari rahega. हम अगले थर्सडे इसी टाइम वी विल बी बैक विद अनदर सेट ऑफ पैनलिस्ट. आपको इस सेशन के का एक डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, जिसमें सभी पैनलिस्ट के जो वो काम कर रहे हैं उसके लिंक्स होंगे, चाहे वो उनके फेसबुक के लिंक्स हो, उनकी वेबसाइट के हो या यूट्यूब चैनल के हो. तो अगर आप उनसे संपर्क करना चाहेंगे, यू कैन रीच आउट टू देम. Like Kritika shared on the chat, videos of today's session are also available on Facebook for you to go back to at any point in time. Have a wonderful day and a lot of gratitude to you for all the work that you do, all the effort that you're putting in to reach out to children at this time, and just taking care of everybody's mental, emotional, social health, hum sab ka bhi aur bachcho ka bhi, I think is paramount in these times. Have a great day and see you again next week. Thank you. Thank you. Thank you.